हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई, अगर आपका फ्री फायर आईडी सस्पेंड हुआ है तो आप सही वीडियो में आए हैं। भाई, इस वीडियो में आप सबका बताऊंगा कि आपका फ्री फायर कैसे रिकवर होगा। भाई, अगर आप सबका फ्री फायर आईडी रिकवर करना है तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो में आपको कमेंट करना है। तो भाई, आज मैं दिखाना चाहता हूँ, एक भाई हैं VK मोटिवेशनल, भाई बोल रहे हैं प्लीज़ भाई मैं आपका बहुत वीडियो में कमेंट करता हूँ, आप मुझे रिप्लाई नहीं देते हो, भाई मेरा फ्री फायर आईडी रिकवर कर दो। तो मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि भाई टेंशन मत लो, आपका फ्री फायर आईडी रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी इन्हीं भाई के जैसे आपको भी फ्री फायर आईडी रिकवर करवाना है तो भाई अपना ये आईडी अच्छे से कमेंट करें, और जब मैं भाई आपको मैसेज करता हूँ तो भाई अपने मैसेज का रिप्लाई तुरंत दे भाई, वरना आपका फ्री फायर आईडी मैं रिकवर नहीं करूँगा, किसी और का भी रिकवर कर सकता हूँ। तो भाई जल्द से जल्द अपना ये आईडी तुरंत कमेंट करें, जो भी पूछता हूँ भाई तुरंत तुरंत आपको रिप्लाई देना चाहिए। भाई आप लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, इसके वजह से आपका फ्री फायर आईडी रिकवर नहीं हो पाता है। एक भाई हैं जिससे मैं बोल रहे हैं भाई कि मेरा फ्री फायर आईडी रिकवर कर दो। तो मैं भाई से बोला चलो ठीक है, मैं आपका आईडी रिकवर कर दूंगा। देख रहे हो भाई से कब से बोल रहा हूँ मैं, भाई अपना यू आईडी दो, अपना यू आईडी दो, लेकिन भाई अपना यू आईडी नहीं दे रहे थे। तो इसके वजह से मैं इनका छोड़ दिया हूँ, किसी और का भी फ्री फायर आईडी रिकवर कर रहा हूँ, इन भाई का फ्री फायर आईडी नहीं रिकवर कर रहा हूँ। तो भाई आप लोग ऐसा मत करो, जब मैं मांगता हूँ यू आईडी तब तुरंत तुरंत मुझे यू आईडी दो, वरना मैं किसी और का फ्री फायर आईडी रिकवर करने लगूंगा। भाई अगर आपको मैं मैसेज करता हूँ तो भाई तुरंत रिप्लाई दो और अपना यू आईडी अच्छे से कमेंट करो। भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप, हो सकता है आपका फ्री फायर आईडी रिकवर हो जाए। भाई अपना यू आईडी अच्छे से कमेंट करो, और भाई इंस्टाग्राम पे मुझे जा करके अपना प्रोफाइल किसी दूसरे आईडी में सर्च मार के शॉर्ट स्क्रीन मार के मुझे इंस्टा पर भेजो, और भाई जो जो पूछता हूँ मैं भाई तुरंत रिप्लाई दिया करो। भाई इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो कर लो, कमेंट में दे रहा हूँ उसका URL।